One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. फरवरी 2013 को नोएडा में जो शांति व्यवस्था से संबंधित घटना हुई थी उसी का गठन किया था और जिसे ये अपेक्षा की गई थी कि ये सभी जो घटनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत जांच करने के लिए, जिसमें तीन बिंदु थे कि घटना से पहले जो है वो क्या डिप्लॉयमेंट था, जो पुलिस फोर्स वहाँ पे थी उसका क्या रोल रहा, और तीसरा पॉइंट ये था कि जिस इस घटना में जिस किसी का भी कोई लैप्स हो या कमी हो उसको इंगित करके हमें 3 दिन के अंदर में जो है वो रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी। के साहब हैं गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन, हम दोनों लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने जो है घटना जहाँ जहाँ हुई, जहाँ जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सारी जगहों का दौरा किया, उसको देखा, और उसको देखने के बाद सबसे पहले तो जो कंसर्निंग ऑफिसर्स थे उनसे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, कुछ लोगों के बयान लेने थे कि जो लोग मौके पे मौजूद थे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, लेबर डिपार्टमेंट थे, DIC है, LIU है, पुलिस फोर्स है, मजिस्ट्रेसी है, सबसे हम लोगों ने बात की। बाद फिर हम लोगों ने जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया था कि उनका क्या पक्ष है, और उनसे हम लोगों ने जो है पूरी बातें सुनी, और वो सारे सुन के जो है वो अब हम लोग वापस लौट रहे हैं और हम अपनी सब रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। दूसरे दिन घटना हुई थी सेक्टर 5, वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने देखा और वो भी असेस किया कि दूसरे दिन घटना क्यों हुई। और जहाँ तक कार्रवाई का प्रश्न है, मैंने आपसे कहा कि जो हमें जो दिया गया है 3 बिंदु, उसमें तीसरा यही है कि जिनकी लापरवाही जिस किसी की भी हो उसके लिए जो है हम इंगित करेंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे और शासन को सबमिट करेंगे। कैसे फाइंडिंग अभी नहीं बताएंगे आप? जो फाइंडिंग, जो रिपोर्ट हमें शासन को देना है वो हम मीडिया को कैसे दे सकते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं। लोगों ने जो है वो जो इंडस्ट्रीज से लोग आए हुए थे उनको ये आश्वस्त हम लोगों ने किया है कि जो घटना हो गई उसके बाद ऐसी व्यापक व्यवस्था की जाएगी। सबसे पहले जो हमने एडिशनल पुलिस फोर्स दिया है वो पुलिस रहेगी जब तक कि पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, लोग यहाँ पे सिक्योर नहीं फील करते हैं, तब तक वो फोर्स रहेगी और इस ढंग से की जाएगी कि उनको आगे कोई दिक्कत ना हो और उनको कहीं ये माहौल न बने कि यूपी में जो है वो इंडस्ट्री चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने जो है वो आश्वस्त होकर सारे लोग गए यहाँ से। दूसरा ये था कि जो पुलिस फोर्स उस टाइम में डिप्लॉय थी उनका क्या क्या भूमिका रही, और तीसरा कि सारी चीज़ की समीक्षा करने के बाद कहाँ कमी पाई गई, ये 3 बिंदु पर जांच है। मैं दिया है कल 2 दिन और दिख सकते 2 दिन दे देंगे हम लोग। है कि कोई पलायन नहीं होगा, हम उनको उतना आश्वस्त करके जा रहे हैं कि पलायन नहीं होगा, पूरी घटना है, इसलिए उसी करेक्टिव मेजर के लिए हम यहाँ आए हैं कि वो जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उस दिन हुआ, नेचुरली तो अनफॉर्चुनेट है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं